हेलो, हाउ आर यू? ओके, चलिए आज देखते हैं सिंथेसिस में कंपाउंड सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कैसे होता है. ओके, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? जब एक ही सेंटेंस में दो दो क्लाज आ जाएं या तीन तीन क्लाज आ जाएं तो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने सीखा था क्लाजेस कौन से यूज होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लाज या और प्रिंसिपल क्लाज. प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज से बनने वाला सेंटेंस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है. लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लाज नहीं, कोऑर्डिनेट क्लाज यूज किया जाता है. कोऑर्डिनेट क्लाज किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेट क्लाज फ्री होता है सेंटेंस सेंटेंस में, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता. प्रिंसिपल क्लाज की तरह वो भी कार्य करता है. जब एक या दो या दो से अधिक क्लासेस यूज किए जाएं और वे दोनों या तीनों क्लॉज फ्री हो, स्वतंत्र हो, किसी के ऊपर डिपेंड ना करें, तो वे क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज कहे जाते हैं. ओके, और इस तरह के क्लॉजेस को हम किसी कंजक्शन से जोड़ते हैं. दो दो क्लॉज को, तीन क्लॉज को किसी कंजक्शन से जोड़ा जाता है और इन कंजक्शंस को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शंस. कोऑर्डिनेट कंजक्शंस चार प्रकार के होते हैं: क्यूमुलेटिव कंजक्शंस, अल्टरनेटिव कंजक्शंस, इलेटिव कंजक्शंस और एडवर्सेटिव कंजक्शंस. ये चार प्रकार के कंजक्शंस कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कहलाते हैं. ओके, चलिए हम देखते हैं इन चारों को एक एक करके सेंटेंसेस में यूज करके. ओके, कैसे प्रयोग करते हैं इन कंजक्शंस का. पहला रूल ले लेते हैं, बाय यूजिंग क्यूमुलेटिव कंजक्शंस. क्यूमुलेटिव कंजक्शंस में एंड एज वेल एज बोथ डॉट 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 एंड और नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज किया जाता है. ये चारों कंजक्शंस क्यूमुलेटिव कंजक्शंस कहे जाते हैं. इनको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं. जैसे आई, एग्जाम्पल है आई वॉज सिटिंग, पहला सेंटेंस हो गया. दूसरा ले लेते हैं, आई वॉज राइटिंग, एन एस ए. जब इसको कंबाइन करेंगे कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए तो हम कंजक्शन यूज करेंगे, दोनों सेंटेंस को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आई वॉज सिटिंग. आई वॉज सिटिंग एंड को ले लें एंड राइटिंग, एन एस्से. देखिए, मैंने कहा दोनों सेंटेंसेस को एज इट इज यूज कर देंगे. पहले वाले एग्जाम्पल में इस वाले एग्जाम्पल में देखिए कंजक्शन एंड का यूज किया गया है और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे आई तो है. पहला वाला सेंटेंस मैंने एज इट इज ले लिया, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में मैंने आई शब्द यूज नहीं किया है. इसमें मैंने आई सब्जेक्ट का यूज नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे एक आई आ चुका है और यही आई शब्द सब्जेक्ट दोनों में सेम है. ओके, इसलिए दोनों में, अब दोनों एक सेंटेंस हो गया तो दो जगह आई को लिखने की कोई जरूरत नहीं है. तो मैंने इसलिए इसको ऐसे लिख दिया, आई वॉज सिटिंग एंड राइटिंग एन एस ए, एंड आई राइटिंग एन एस ए होना चाहिए. लेकिन एंड आई को दो बार यूज न करके एक ही बार यूज किया गया है ताकि सेंटेंस थोड़ा सुंदर लगे. ओके, कोई दिक्कत नहीं होता, अगर आप आई भी लिखते तब भी वो सही होता. आई वॉज सिटिंग एंड आई वॉज राइटिंग एन एस ए तो सही होता है. लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी आई वॉज यूज कर चुके हैं एक बार तो दोबारा यूज करने की कोई जरूरत नहीं है. अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड कंजक्शन की जगह हम एज वेल एज का भी यूज कर सकते थे. जैसे आई वॉज सिटिंग एज वेल एज राइटिंग एन एस ए, फिर भी सेंटेंस सही होता. ओके, इस सेंटेंस को हम बोथ एंड के साथ भी बना सकते हैं. जैसे इसको मैं बोथ एंड को लेकर के अगर मैं करूँ तो हो जाएगा आई वॉज, यहाँ पर लिखेंगे बोथ. ओके, आई वॉज बोथ क्या सिटिंग एंड राइटिंग, सिटिंग एंड राइटिंग, एंड एस्से. ओके, बोथ एंड, आई वॉज बोथ सिटिंग एंड राइटिंग एंड एस्से. क्लियर? यहां पे नॉट ओनली बट ऑल्सो भी यूज किया जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है. आप इसको लिख सकते हैं, आई वॉज नॉट ओनली सिटिंग, मैं ना केवल बैठा था बट ऑल्सो, राइटिंग, एंड एस्से, बल्कि एक एस्से भी लिख रहा था, एस्से. ओके, समझ में आ गया? क्लियर? चलिए दूसरा रूल देख लेते हैं. इसमें आप कुछ और एक्सरसाइजेस करिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी. अगर दिक्कत आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं. ओके, okay.
दूसरा रूल लेते हैं बाय यूजिंग अल्टरनेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शंस, कंजक्शंस ओके। अल्टरनेटिव कंजक्शंस में क्या आते हैं, कौन कौन से कंजक्शंस हैं इसको देख लीजिए। इसमें आएगा अल्टरनेटिव मतलब ऑप्शन बताने वाले, तो आ सकता है आर, अदरवाइज, अदरवाइज, इधर, इधर आर, इधर डॉट 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 आर, नीदर, नीदर डॉट 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 नार ओके। ये सारे कंजक्शंस अल्टरनेटिव कंजक्शंस हैं, इनका यूज देख लीजिए एग्जांपल में, एग्जांपल में एग्जांपल लेते हैं कम इन, दूसरा लेते हैं गो आउट, गो आउट ओके। ये दोनों इंपरेटिव सेंटेंसेस से पता ही आपको होना चाहिए था, यू कम इन, यू गो आउट, या ऑर्डर या परमिशन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखते हैं इसको जब आप कंजक्शन से जोड़ेंगे, कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, दोनों सिंपल सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा बाय यूजिंग अल्टरनेटिव कंजक्शन। आप अगर आर जोड़ते हैं तो आप इसको कर सकते हैं कम इन आर, आर गो आउट हो सकता है, अदरवाइज भी यूज कर सकते थे आर की जगह, कम इन अदरवाइज, अदरवाइज गो आउट, अंदर आओ नहीं तो बाहर जाओ ओके। आइदर आर का भी यूज कर सकते थे, इधर आर या आइदर आर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं जैसे सॉरी इधर कम इन आर गो आउट, क्लियर, इधर कम इन आर गो आउट, या तो अंदर आओ या तो बाहर जाओ। लेकिन नीदर नार का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे, नीदर नार का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। इसे सेंटेंस का नेगेटिव बना लिया जाए, जैसे अगर यह सेंटेंस डू नॉट से यूज शुरू हो, डू नॉट कम इन, डू नॉट गो आउट, तो इस वाले सेंटेंस में हम नीदर नार का यूज कर देंगे। यह हो जाएगा नीदर कम इन, कम इन नार गो आउट, ना ही अंदर आओ ना ही बाहर जाओ ओके। नीदर कम इन नार गो आउट, क्लियर, समझ में आ गया। कुछ और एग्जांपल आप खुद करिएगा, आगे देखते हैं। ये था अल्टरनेटिव का यूज करके। अगला कंजक्शन देख सकते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज करके ओके। बाय यूजिंग एडवर्सेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शंस ओके। एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं मिस्टर शर्मा इज लेजी, इज लेजी। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं ही इज क्लेवर, मिस्टर शर्मा लेजी हैं, सुस्त हैं, लेकिन वह चतुर हैं ओके। तो इसको आप एडवर्सेटिव कंजक्शन के यूज करके कैसे करेंगे, अच्छा देख लीजिए एडवर्सेटिव कंजक्शन होते कौन कौन से हैं उसको बता दूं मैं। एडवर्सेटिव कंजक्शंस बट होता है, बट ओके, एट होता है, स्टिल होता है, स्टिल ओके, कुछ और भी होते हैं, अभी हम इतना देखते हैं, डॉट डॉट एक्सेट्रा भी होते हैं, आप बुक में देख लीजिएगा। देखिए मिस्टर शर्मा, आप इसको कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा मिस्टर शर्मा इज लेजी बट ही इज क्लेवर, ठीक है। ये विरोधाभासी बताने वाले सेंटेंसेस को जोड़ता है ओके, एडवर्सेटिव कंजक्शंस।
बट्स मैंने जोड़ दिया है, दो सेंटेंस हैं और दोनों में विरोधाभास है। मिस्टर शर्मा लेजी तो हैं, दूसरे में कहा जा रहा है वे चतुर भी हैं, तो जाएगा मिस्टर शर्मा इज लेजी बट ही इज क्लेवर। क्लियर? आप यहाँ पे एट भी लिख सकते थे, बट की जगह एट हो जाएगा तब भी ये सही होगा, एट ही इज क्लेवर। ओके, स्टिल भी आप कर सकते हैं, इसी सेंटेंस में आप स्टिल भी लिख देंगे तो भी ये सेंटेंस सही होगा। आप लिख सकते हैं मिस्टर शर्मा इज लेजी, एट ही इज क्लेवर, मिस्टर शर्मा इज लेजी, स्टिल ही इज क्लेवर, मिस्टर शर्मा इज लेजी बट ही इज क्लेवर। ओके, समझ में आ गया। चलिए अगला ले लेते हैं कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शंस। ओके, बाय यूजिंग इलेटिव कंजक्शंस, इलेटिव कंजंक्शंस, इलेटिव कंजक्शंस, रिजल्ट बताने वाले कंजक्शंस। रिजल्ट बताएंगे आप क्या बोलेंगे, आप बोल सकते हैं देयरफोर, और क्या हो सकता है शो, और क्या हो सकता है फार एटसेट्रा। ओके, करके देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं इसको। एग्जांपल, ही हैज नो मनी, ही हैज नो मनी, उसके पास पैसे नहीं है, पहला सेंटेंस। दूसरा, ही लेफ्ट। अच्छा, इलेटिव कंजक्शन वे होते हैं जिसमें रिजल्ट के बारे में कुछ कहा जाए, कुछ परिणाम निकले, किसी कारण का कोई परिणाम निकल रहा हो। ही लेफ्ट हिज स्टडीज, यहाँ देख लीजिए, उसके पास पैसे नहीं है इसीलिए उसने पढ़ाई छोड़ दिया, रिजल्ट आ गया पढ़ाई छोड़ने का, कारण क्या बना, पैसा ना होना। हम इस तरह के सेंटेंसेस को इलेटिव कंजक्शन से कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं इजिली। देखिए, ही has no money, therefore, इसलिए, therefore, he left his studies, clear, therefore की जगह आप so भी यूज कर सकते हैं, clear, he has no money, so he left his studies, clear, समझ में आ गया। अच्छा, फार कंजक्शन का यूज आप खुद करिएगा और सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, देखते हैं किसका सही होता है। ओके, बस आज इतना ही, थैंक यू।